MedGate Today presents one of the most prestigious awards in the world of healthcare, the 8MT India Healthcare Awards 2018, in association with Mesit Dusseldorf at the Medical Fair India, Mumbai, on 16th March 2018. Nominations are open for doctors, hospitals, medtech companies, and healthcare professionals. नमस्कार, मैं हूं ब्रज किशोर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द हेल्थ केयर टुडे में। भागदौड़ भरी जिंदगी, कई सारे तनाव, कई सारी जिम्मेदारियां, ये सारे के सारे सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे दिमाग को करते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी परेशानी हमारे पूरे जीवन को कष्टदायी बना सकती है। यह परेशानी बाहरी चोट या रक्त का थक्का जमने या आंतरिक हार्मोन के बदलाव से भी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह की और कौन कौन सी मस्तिष्क की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार। अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में 13 साल प्रैक्टिस करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि हमारा प्रोग्राम देश भर के गांव-गांव में देखा जाता है। मेडिकल साइंस के कुछ शब्द या भाषा हमारे दर्शक कई बार समझ नहीं पाते, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना संभव हो सरल भाषा में जानकारी देने की। अब आते हैं सवाल पर। पोलियो का वायरस देश से खत्म हो चुका है, लेकिन देखा जा रहा है कि काफी संख्या में लोग पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं। खासकर यह लकवा लोगों में बुढ़ापे में ज्यादा देखा जा रहा है। आखिर क्या है इस पैरालिसिस का कारण? पैरालिसिस के कई कारण हैं, और सबसे पहले हम यदि कारणों से शुरू करें तो खून की नलियों में जो बीमारियां होती है वो सबसे कॉमन कारण है। उसमें कभी खून की नली के अंदर खून जम जाने के कारण, या खून की नली के फूटकर उसमें से खून निकल जाने के कारण, ये दो मुख्य कारण हैं। इसके अलावा और कई कारण हैं, जैसे ट्यूमर होना है या कई और जन्म से प्रॉब्लम होना हो सकता है। अब इसमें जो खून की नलियों में जो प्रॉब्लम है वो एज के साथ साथ बढ़ता है, तो कभी कभी आजकल कम उम्र के लोगों में भी दिखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा रहन सहन का स्तर, जो जीने का तरीका है, एक्सरसाइज की कमी है, वो हमारे जीने की शैली में गलतियां होती जा रही है ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर उम्र के साथ साथ खून की नलियों की बीमारियाँ बढ़ती हैं, वो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का वही चलन है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे खून की नलियों में खून जमने के कारण भी और खून की नलियों के फूटने के कारण भी बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसी कारण उम्र बढ़ने पर ये बीमारियां ज़्यादा होती है, और आजकल बढ़ रहा है क्योंकि एक तो उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, भारतीय समाज में खास करके, और जीने का जो तरीका है वो दूषित होता है। डॉक्टर मनीष, लकवा मारने का मुख्य कारण ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज होता है। इस स्ट्रोक के होते ही तत्काल बेहतर हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, ना ही कोई बेहतर हॉस्पिटल, मरीज को शहर का रुख करना होता है। ऐसे हालात में इस स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं जो मरीज देखते ही जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे? देखिए, पैरालिसिस का जो लक्षण है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि पैरालिसिस किस एरिया में, ब्रेन के किस एरिया में असर कर रहा है, कौन से एरिया की खून की नली प्रभावित हुई है। अक्सर लोगों को पता तभी चलता है जब हाथ या पांव या चेहरे या आवाज़ के इलाके में समस्या होती है। जैसे हाथ या पांव में कमजोरी या मुंह का टेढ़ा हो जाना, किसी एक तरफ खींच जाना, उसके अलावे जो तकलीफ हो सकती है जैसे चक्कर आना या सरदर्द होना, उल्टी होना, ये सब भी निशानी होती है। लेकिन जो सबसे
ज़्यादा कॉमन है वह है हाथ या पाँव में किसी तरह की तकलीफ या मुंह का खींचना। ऐसे में कई बार रोगी इस हालत में नहीं होता है कि वह अपनी तकलीफ बतला पाए, तो दूसरे लोगों को ही इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जब कोई बीमारी शुरू हो जाती है, यदि पेशेंट बेहोश हो जाता है तब तो दूसरे लोग ही ख्याल रखेंगे, यदि होश में है तो जो चीज़ें वो बतला सकते हैं, बतलाने की स्थिति में रहते हैं, जैसे मैंने बतलाया कि चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, सर दर्द बहुत ज़्यादा होना, या यदि हाथ पाँव में तकलीफ को महसूस कर पाते हैं कि मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, तो वो बतला सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं जो हमें नोटिस करना चाहिए। यदि दिमाग संबंधी कभी भी कोई परेशानी होती है तो व्यक्ति बेहतर नहीं सोच पाता है। ये हालात आम जिंदगी में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी भी ब्रेन स्ट्रोक किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसके आसपास के व्यक्ति एवं परिजन मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं। डॉक्टर मनीष, यदि ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो इलाज क्या है? इलाज को चार फेजेज में बांट सकते हैं। जैसे इमीडिएटली यदि तकलीफ शुरू होती है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, उसको किसी चीज़ से कोई चोट न लगे, कोई खतरा ना हो, जैसे कोई सड़क से जा रहा है और वो एकाएक गिर गया, तो इस तरह के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जो बीमारी है उसके कारण के हिसाब से, यदि खून की नली ब्लॉक हो गई है तो उसका इलाज अलग किस्म से होता है, यदि खून की नली फूट गई है तो उसका इलाज अलग किस्म से होता है, और कोई अन्य बीमारी हो जैसे कोई गांठ के कारण हो सकता है या किसी दूसरे कारण से, इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, तो उन चीज़ों का जो मुख्य कारण है खून की नलियों के कारण, खासकर जो खून की नली में खून जमने के कारण जो होता है, यदि वो हमारे पास 3 से 4 घंटे के पहले आते हैं तो हम उनके अंदर जो खून की नली के अंदर जो खून जम गया है उसको हम पिघला सकते हैं, उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं और बहुत कम लॉस के साथ, बहुत कम परेशानी के साथ वो इंसान वापस नियर नॉर्मल, मे और मे नॉट बी नॉर्मल बट वी ऑब्वियसली एम टू मेक हिम नॉर्मल, अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि खून की नली फूटने के कारण हुआ होगा तो फिर उसका इलाज अलग अलग किस्म के से है, उसके कारण का पता करके, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है या कभी कभी एनिरिज्म कहते हैं जिसमें खून की नली में कमजोरी हो जाती है, या कभी कभी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन कहते हैं जिसमें खून की नलियों का आपस में कभी कभी जन्म के बाद या ज़्यादातर जन्म से पहले से ही ये सारी बीमारियां होती है, तो इन सब कारणों का पता करके उस हिसाब से इलाज शुरू किया जाता है। जो तीसरा स्टेज है वह है कि उनको यदि ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है तो कभी कभी जान पर खतरा होता है, तो उसके लिए अलग किस्म से जैसे सर्जरी करना पड़ सकता है, इमीडिएट सर्जरी करना पड़ सकता है जान बचाने के लिए, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग किस्म से होता है। उसके बाद चौथा दौर आता है जब हमें उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइज और आगे ऐसा ना हो उसके लिए इलाज शुरू करना। डॉक्टर मनीष, अब बात कर रहे हैं 3 घंटे की, गाँव के हेल्थ केयर की क्या व्यवस्था है यह किसी से छुपा नहीं है। मरीज को 3 घंटे के अंदर शहर के बेहतर अस्पताल पहुंचाना काफी मुश्किल है। अस्पताल पहुंचने से पहले क्या किया जाए? देखिए, जो लोग आसानी से इतनी जल्दी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, जो भी सबसे निकट के डॉक्टर हों उनसे सलाह लेनी चाहिए। कुछ कम से कम कुछ दवाएं हम शुरू कर सकते हैं जिससे कि बीमारी के बढ़ने की प्रक्रिया में हम कुछ रोक लगा पाएँ और जान के खतरे को कम से कम किया जाए, क्योंकि ये बीमारियाँ यदि बढ़ती जाती है तो जान पर भी खतरा हो सकता है। और शहरों में भी कभी कभी कई अन्य कारणों से सेवा के उपलब्धता के बावजूद भी इस तरह की बीमारियों का इलाज करना आसान नहीं है। 3-4 घंटे के अंदर में आने के बाद भी कई बार हम उनका उस तरह का इलाज नहीं कर पाते हैं, कई उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए यह इस बात के लिए बुरा मानने का या तकलीफ करने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम 3 घंटे में नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, लेकिन जो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा सही उपयोग करें। यदि ब्रेन स्ट्रोक हो और आप गाँव में हैं तो तत्काल पास के किसी बड़े अस्पताल जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। यदि तत्काल यह संभव नहीं हो पाता है
तो पास के किसी फिजिशियन से मिले। लेकिन ध्यान रहे, ब्रेन स्ट्रोक का इलाज वैसे अस्पताल में ही संभव है जहां जांच की पूरी सुविधा उपलब्ध हो, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन हैमरेज। डॉक्टर मनीष, क्या पैरालिसिस का कारण ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन हैमरेज है या कुछ और भी है? पैरालिसिस का, लकवा का मुख्य कारण खून की नली में बीमारी है, लेकिन उसके अलावे गांठ होने के कारण या कुछ इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा होता है। कुछ ऐसे धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारियां हैं या कुछ खून की नलियों में छोटी छोटी बीमारियां हो सकती है जिसका हम अलग किस्म से उपचार कर सकते हैं। और भी कई सारे कारण हैं ब्रेन हेमरेज के अलावे। यदि काफ़ी दिन हो चुका है तो सबसे जरूरी तो एक्सरसाइज है। कभी कभी उनके ज्वाइंट्स फिक्स हो चुके होते हैं, यदि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ तो कुछ कर सकते हैं। और उनको दोबारे ऐसा न हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, क्या रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह उनको समझाना और बतलाना। और जो वर्तमान में उनकी कमजोरी है, जो दिक्कत है, उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी शारीरिक कमियों के बावजूद वो जो बची हुई उनकी उनके पास शारीरिक क्षमता है उसका किस तरह से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, यह बतलाना भी बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क की परेशानियों से जुड़े कई और सवाल जवाब हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसों में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ द हेल्थ केयर टुडे। संपर्क करें 01244426059 या 9953023767। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर मनीष, कई बार किशोरावस्था में खेलते वक्त या अकस्मात सिर में कुछ ऐसी चोट लगती है जिसमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन वह चोट आंतरिक रूप से ऐसी होती है जो बाद में मौत का कारण बन जाता है। आखिर कैसी चोट होती है यह? देखिए, ब्रेन में चोट लगने पर कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, लोगों को याद नहीं रहता है कि उनको चोट लगी भी है या नहीं लगी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। उसके बाद कई बार खून का बहना धीरे धीरे कई दिनों तक होता है और अगले कुछ सप्ताह तक वह पानी में मिलकर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और लोगों की परेशानियों को बढ़ाता है। इसमें
शुरू में हल्के फुल्के सर दर्द या चक्कर आने की शिकायत हो सकती है, कभी कभी उल्टी जैसा लग सकता है, कभी नहीं भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से को ये सारी इस तकलीफ के कारण काम करने में दिक्कत हो रही है। यदि रोगी को यह चीज़ें बतलाने की क्षमता रह पाती है, वह इस स्थिति में है कि अपनी तकलीफ बतला पाए, तभी बतला सकता है। यदि उसके बोलने में या सोचने में या याददाश्त में तकलीफ होती है चोट लगने के कारण या जो धीरे धीरे खून जमा हो रहा है उस कारण से, तो फिर रोगी अपनी तकलीफ को बतला नहीं पाता है और ऐसे में समय बीत जाता है और कई दिनों बाद लोगों को तब पता चलता है जब वह असक्त हो जाता है, वह पूरी तरह से बीमार हो जाता है, कभी कभी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर मनीष, इस तरह की आंतरिक चोट के बाद ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं जो व्यक्ति यह समझ ले कि उसे डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए? यदि किसी भी तरह के चोट लगने के बाद थोड़े सेकेंड्स के लिए भी उनको याद नहीं है, बेहोशी जैसा कुछ भी हुआ है, तो उसको ब्रेन कंकसन कहते हैं। वह किसी भी तरह के जांच में, सीटी स्कैन या एमआरआई में हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन ऐसे लोगों का ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार उनकी छोटी सी तकलीफ बाद में अगले कुछ दिनों में ज़्यादा बड़ी तकलीफ बन जाती है। इसमें कभी कभी इग्नोर करना, या जैसे कुछ लोग अपनी छोटी तकलीफ को इग्नोर करते हैं, इस कारण से तकलीफ बढ़ जाती है धीरे धीरे। अब आ जाते हैं दिमागी परेशानियों में ही एक एपिलेप्सी पर, यानी मिर्गी की समस्या। हालांकि मिर्गी आने पर ठीक किए जाने के लिए कई सारी भ्रांतियां भी हैं। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि मिर्गी का इलाज क्या मेडिसिन है या सर्जरी भी होती है या कोई और भी विकल्प है? एपिलेप्सी, जिसे हमारे देश में मिर्गी का दौरा या और कई सारे नामों से जाना जाता है, ये विज्ञान के बावजूद जो हमारे समाज में व्याप्त भ्रांति है सदियों से, उसके कारण इसके इलाज में बहुत कठिनाई आ रही है। सच्चाई यह है कि आज हमारे पास बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जिनसे हम बहुत अच्छे स्तर तक इस बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। यदि दवाओं के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता है, तो जांचों से यदि हम पता कर सकते हैं कि ब्रेन के किसी खास हिस्से में उस बीमारी का केंद्र है, तो हम उसका इलाज सर्जरी से कर सकते हैं, जो ज़्यादातर रोगियों में सफल होता है। यदि जांच में पता चल जाए कि इस बीमारी का केंद्र कहां पर है तो। आपको बता दें कि मिर्गी का दौरा सामान्यतः 30 से 40 सेकंड का होता है। यदि यह ज़्यादा समय तक और बार बार आ रहा है तो मरीज की मौत तक हो सकती है। अब भ्रांतियों की बात कर लें तो अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि मिर्गी का दौरा आने पर चमड़े के जूते या चप्पल सुनाए जाते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि यह 30 से 40 सेकंड के लिए होता है। अब जब तक आप जूते सुनाते हैं, मरीज ठीक हो चुका होता है और लोग यह समझ लेते हैं कि जूता सुनाने से मरीज ठीक हुआ। डॉक्टर मनीष, ज्यादातर मोटापे से ग्रस्त लोगों में एपिलेप्सी की बीमारी देखी जाती है, क्या मिर्गी का संबंध मोटापे से भी है? देखिए, मोटापे से खून की नलियों से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण या अन्य कारणों से। ऐसे में खून की छोटी नलियों में जब खून जमता है और वह किसी ऐसे हिस्से में होता है जहां से एपिलेप्सी शुरू हो सकता है, होता है, तो वैसे लोगों में जो स्ट्रोक है वो मिर्गी के रूप में परिलक्षित होता है। सबसे पहले उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। उससे डायरेक्टली नहीं कहेंगे, लेकिन वो बीमारी का, डिजीज़ का प्रोसेस मोटापे से जुड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोटापे से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मिर्गी की बीमारी का। ब्लड गाढ़ा होने के कारण जो बीमारियां होती है उसके कारण एपिलेप्सी हो। डॉक्टर मनीष, एपिलेप्सी के लक्षण क्या क्या हैं और कब यह मरीज के लिए मौत का कारण बन सकता है? मिर्गी का, एपिलेप्सी का जो कॉमन लक्षण है वह हाथ पाँव का अनियंत्रित मूवमेंट, बेहोशी आना, मलमूत्र का त्याग, अनियंत्रित मलमूत्र का त्याग, मुंह से झाग आना, सांस के एकाएक बाहर की ओर छोड़ने के कारण आवाज हो सकता है। उसके अलावे दांतों के जमने के कारण जिह्वा या गाल में चोट लग सकती है, कट सकता है, और यह कितनी देर चलेगा ये हमें पता नहीं होता है। कभी कभी
कुछ सेकेंड और मिनट में आदमी वापस होश में आ जाता है, कभी कभी लंबा समय भी लग सकता है। या तो पहले लोग बेहोश हो जाता है और फिर हाथ पांव में मूवमेंट शुरू होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है और नियंत्रित होता है, या पहले हाथ पांव में तकलीफ शुरू होती है, हाथ पांव में मूवमेंट शुरू होता है और फिर लोग बेहोश होता है। इसके अलावे इस दोनों जो यूजुअल लक्षण है उसके अलावे कभी कभी किसी एक ही भाग में, जैसे किसी एक ही हाथ में या पांव में लगातार अनियंत्रित मूवमेंट हो सकता है, कभी कभी सिर्फ बेहोशी आ सकती है। कई तरह के और रेयर वेराइटीज़ हैं जिसमें कई सारे ऐसे काम करना जो लोगों को, दूसरे लोगों को लगता है कि वो खुद से कर रहा है लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो इंसान उसमें अपने नियंत्रण में नहीं होता है, आधे होश की हालत में वो ये काम करता है। कभी कभी ये सारा कुछ क्रियाकलापों से जुड़ा होता है, जैसे गर्म पानी से या ठंडा पानी से स्नान करने पर ऐसा हो सकता है। इंसान पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है, वह कुछ भी कर सकता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी के एपिलेप्सी होते हैं जिसमें कई प्रकार के कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं जिसमें इंसान बेहोश न होते हुए भी होश में नहीं रहता है, वह क्या कर रहा होता है उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। आपने कई बार कहानियों में सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लोग नींद में चलते हैं या कुछ करते हैं और उनको याद नहीं रहता है। कभी कभी कुछ लोग कुछ सामान यहाँ से वहाँ रख देते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है, या वो किसी इच्छा से या किसी योजना से नहीं करते हैं। जैसे कोई इंसान चोरी कर लेता है, कोई चीज़ उठाकर अपनी जेब में रख लेता है, दूसरे लोग देखते हैं उनको लगता है कि चोरी कर रहा है लेकिन वो उसको नहीं पता होता है। देखिए कभी कभी एपिलेप्सी लगातार होता रहता है जिससे लोग बाहर ही नहीं आ पाते हैं, ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है और जानलेवा हो सकती है। दूसरी स्थिति, यदि एपिलेप्सी का कारण कोई गांठ हो या कोई ऐसी बीमारी हो जो बढ़ता जा रहा हो तो वो धीरे धीरे जानलेवा हो सकती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है वह यह कि एपिलेप्सी कब किसको कहाँ होगा यह पता नहीं है। जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता है उसे मिर्गी का दौरा कभी भी पड़ सकता है, जैसे वो सड़क पे हो, जैसे वो आग के पास हो, जैसे वह रसोई में हो, जैसे वह किसी तालाब के किनारे हो, और ऐसे में उनको चोट लगने की या किसी भी तरह से उनको शारीरिक क्षति पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कोई ड्राइव कर रहा हो और यदि उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो वो सिर्फ उसी के लिए नहीं, सड़क पर उसके आसपास के किसी भी इंसान के लिए खतरे का कारण हो सकता है। अब हम एक और समस्या पर चर्चा करेंगे, वह है अल्जाइमर्स। डॉक्टर मनीष, अक्सर बुढ़ापे में लोगों को भूलने की समस्या होने लगती है, क्या यह अल्जाइमर्स है या इसे हम बुढ़ापे की देन मान लें? देखिए इसमें दोनों ही बातें हैं। भूलने की बीमारियां कई प्रकार की होती है, कुछ भूलने की बीमारियां सिर्फ एज के कारण होती है, उसमें से कुछ जिसमें पानी के जमने के कारण बीमारी होती है उसका हम सर्जरी के द्वारा भी इलाज कर सकते हैं। जो सबसे दुखद बीमारी है भूलने की, जिसे सभी लोग शायद जानते होंगे, जो अल्जाइमर्स की बीमारी है, जिसमें उसके साथ, उस रोगी के साथ जीने की आदत डालनी होती है, उसका बहुत ज़्यादा इलाज, बहुत सफल इलाज अभी भी हमारे पास नहीं है। वो अल्जाइमर्स है, वो कभी कभी कम एज में भी होता है लेकिन अक्सर उम्र दराजों में ही होता है। अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट तो कई डॉक्टर करने का दावा करते हैं लेकिन सही मायने में अल्जाइमर्स ठीक नहीं होते, क्या कहते हैं आप, क्या है ट्रीटमेंट? अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत सफलतापूर्वक इसका इलाज अभी संभव नहीं हो पाया है। कुछ दवाएं हम दे सकते हैं लेकिन इससे कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है, खासकर किसी एक पेशेंट। डॉक्टर मनीष, न्यूरो संबंधी एक अंतिम सवाल, कई बार लोगों में हाथों में कंपन या चेहरे में कंपन देखे जाते हैं जिसे मेडिकल भाषा में पार्किंसन कहते हैं, लेकिन कई बार हाथों में कंपन शारीरिक कमजोरी से भी होता है, आखिर ये पार्किंसन है क्या और इलाज क्या है? देखिए हाथों में कंपन, चलने में दिक्कत, शरीर पर कंट्रोल का न होना, ये सब पार्किंसन के लक्षण हैं। ये ज़्यादातर उम्रदराज लोगों में या ऐसे लोगों में जिनको छोटे छोटे
इन्फार्क्ट हुए रहते हैं ब्रेन में उनको होता है। हर कोई जिसको कंपन हो वह पार्किंसन नहीं होता है। कंपन होने के कई कारण होते हैं, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म में भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में भी हो सकता है, उसके अलावे अल्कोहलिक्स में होता है, तो और भी कई सारे कारण हैं इसके। पार्किंसंस एक बीमारी है जो ज़्यादातर उम्रदराज लोगों में होता है, ज़्यादातर उनके लिए दवाओं से अच्छा उनको लाभ मिलता है। कभी कभी धीरे धीरे कई सालों तक इलाज करने के बाद दवाओं का असर कम होने लगता है, तो ऐसे में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, ऑपरेशन के द्वारा जिस तरह से हार्ट में बैटरी लगाया जाता है उसी तरह से ब्रेन में भी हम बैटरी लगा सकते हैं और उससे उनके कंपन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं मस्तिष्क समस्या से जुड़े कई सवालों का जवाब आपको मिला होगा। ब्रेन स्ट्रोक में काफी सावधान रहें, जल्द से जल्द बेहतर अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। जितना जल्द अस्पताल पहुंचेंगे आप उतने ज्यादा रिकवर कर पाएंगे। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे इसी दिन इसी वक्त स्वास्थ्य संबंधी एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, हम रखें आपका ख्याल। Medgate Today presents one of the most prestigious awards in the world of healthcare, the 8MT India Healthcare Awards 2018, in association with Mr. Dusseldorf at the Medical Fair India, Mumbai, on 16th March 2018. Nominations are open for doctors, hospitals, medtech companies, and healthcare professionals.